अक्षरों का पाठ दो प्यासी मैना पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड में कुछ चित्र बने हैं। तो बच्चों आइए हम लोग शुरू करते हैं पाठ को। जानते हैं बच्चों एक क्या थी, एक मैना थी। ये देखा है, दिख रहा है आपको मैना थी। मैना नीम के पेड़ के खोखल में रहती थी। खोखल मतलब होता है नीम में, पेड़ों में जो खाली भाग होता है तनों में उसको खोखल बोलते हैं। मैना नीम के पेड़ के खोखल में रहती थी और मैना रोज जाती थी दाना चुनने, और दाना चुन के आती थी बगीचे से। तो क्या करती थी, एक नल लगा हुआ था मैना जहाँ पर रहती थी नीम के पेड़ के पास, तो वो नल से क्या करती थी पानी पीती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैना गई, मैना दाना चुन के आई और नल के पास जब पानी पीने के लिए गई तो क्या हुआ, नल में तो पानी ही नहीं था, नल सूख चुका था। अब मैना को बहुत जोर से प्यास लगी थी, मैना प्यास से परेशान क्या करे। तो फिर मैना उड़ते उड़ते आई, तभी उसको एक क्या दिखा, एक तोता दिखा मैना को। तो तोते ने मैना से पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तो मैना ने कहा कि हाँ मुझे बहुत प्यास लगी है और पानी नहीं मिल रहा इसलिए मैं परेशान हूँ। तो फिर तोते ने क्या कहा कि चलो, जानती हो पास में ही जामुन का पेड़ है और जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा रहता है और घड़े में क्या रहता है पानी, वहां चल के हम लोग पानी पीते हैं। अब मैना और तोता दोनों उड़ते उड़ते कहाँ आए, मटके जामुन के पेड़ के नीचे मटके के पास। पर क्या हुआ, मटके मटका तो था जामुन के पेड़ के नीचे लेकिन क्या था, मटका खाली था, इसमें पानी नहीं था। अब ये दोनों परेशान, दोनों को प्यास लगी थी। फिर इन्होंने क्या किया, तभी इनको वहीं जामुन के पेड़ पे क्या दिखा बच्चों, कबूतर। तो कबूतर बैठा था जामुन के पेड़ के पास पेड़ पे। तो फिर कबूतर से तोते ने पूछा कि पानी, प्यास लगी यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या। तो फिर कबूतर ने कहा हाँ, पास में ही एक लाल ईंट वाला मकान है जिसके आंगन में एक आदमी कपड़े धोता है, तो वहां पे जो फर्श की दरारें हैं उसमें पानी भर जाता है, तो चलो हम लोग चल के वहां पे पानी पीते हैं तीनों लोग। फिर क्या हुआ, तीनों लोग उड़ते उड़ते यहाँ पे आए, लेकिन बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर भी पानी नहीं था, यहाँ की दरारों का पानी सूख चुका था। अब ये तीनों परेशान हो गए एकदम। तभी इन्होंने देखा कि पास में पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के पास क्या थी, गौरैया। गौरैया क्या कर रही थी, यहाँ पे खूब चहक रही थी और नाच रही थी। तो कबूतर ने गुटुर गुटुर करके गौरैया से पूछा कि गौरैया तुम इतनी खुश क्यों हो, इतनी चहक क्यों रही हो। तो गौरैया ने कहा मैं तो नहा के आई हूँ, मैं इसीलिए खुश हूँ। अब ये तीनों परेशान हैरान परेशान हो गए कि हम लोग को तो नहाने तक पीने तक के लिए पानी नहीं है और ये नहा के कहाँ से आई है। तो फिर क्या किया बच्चों, तो गौरैया तीनों ने पूछा कि तुमको नहाने के लिए पानी कहाँ से मिला। तो गौरैया ने कहा चलो मैं दिखाती हूँ। फिर ये सारे पक्षी उड़ते उड़ते आए, एक घर था, घर के आंगन में सुंदर सुंदर फूल लगे थे और पेड़ के नीचे कुंडा रखा था। कुंडा मतलब होता है नाक, जैसे आप लोग यहाँ गाय भैंस होती है तो उसमें खाना पानी देते हैं उनको। तो फिर गौरैया ने बताया कि यहाँ पे इस घर में एक छोटी सी लड़की रहती है जो रोज हम लोग के लिए यहाँ दाने भी कहती है और इसमें पानी डालती है और हम लोग मजे से पानी भी पीते हैं और नहाते भी हैं इसमें। तो क्या किया, फिर इन चारों ने पानी पिया, गौरैया तो पहले ही पी चुकी थी, इन तीनों ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और मजे से चले गए। तो बच्चों हम लोग को इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि हम लोग को चिड़ियों के लिए, पक्षियों, पशु पक्षियों के लिए हमेशा पानी भर के रखना चाहिए, दाने डालने चाहिए और पानी कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों।